नमस्ते, सुधीरा हाजिर है अपना नया व्लॉग लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मैं इस वक्त हूं गोवा में और गोवा में इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस वक्त मैं हूं गोवा के प्रसिद्ध बीच के पास, जी हां, कलंगुट बीच। और आज मैं आपको ले चलूंगा कलंगुट से पंजिम तक की यात्रा पर। जी हां, कलंगुट से गोवा की राजधानी पंजिम तक की हम यात्रा करेंगे। फिलहाल जो आप दृश्य देख रहे हैं ये कलंगुट ग्राम पंचायत का है। देख सकते हैं किस प्रकार से भव्य तरीके से यहाँ पर चौराहे पर सजावट की गई है। ये मंदिर है कलंगुट का। देखिए किस प्रकार से दीप जलाए गए हैं, मंदिर की सजावट की गई है। आसमान में लगी हुई झालरें आप देख सकते हैं, मंदिर की सजावट आप देख सकते हैं, दीप जलाए गए हैं। और इस वक्त रात का 2 बजे का वक्त है और देखिए किस प्रकार से मंदिर की भव्य सजावट की गई है। और अब हम चलते हैं कलंगुट से पंजिम की ओर, तो रास्ते में भी सजावट देखने को मिली है। आप देखिए इस वक्त कितना सुंदर दृश्य है, सड़क के दोनों ओर सजावट की गई है। और कलंगुट से आगे पंजिम की तरफ चलेंगे तो ये चौक आता है, चौराहा आता है। और अब हम सीधा आगे निकलते हैं और ये है सालीगांव ग्राम पंचायत से पहले की जगह। आप देख सकते हैं सजावट। और ये सालीगांव ग्राम का जो चौक है, चौराहा है, आप देख सकते हैं ये उससे अगले गांव का एक दृश्य। और ये सांगोलडा में जो मंदिर है रोड पर, वहां का दृश्य है। देखिए कितने भव्य तरीके से सजावट की गई है। और अब हम चलते हैं पोर्वोरिम सर्किल की तरफ। ये पोर्वोरिम सर्किल है जो कि ठीक पंजिम से पहले है। देखिए स्टैचूज लगाए गए हैं और सजावट कितनी अच्छी तरीके से की गई है। रोड के राइट साइड आप देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके से सजावट की गई है। रोशनी के लिए लड़ियां लगाई गई हैं, जगह जगह पर भगवा कलर के झंडे हैं। हम आ पहुंचे हैं मॉल दे गोवा के पास। जी हाँ, गोवा का सबसे बड़ा मॉल, मॉल दे गोवा। और अभी आप देखेंगे कि मॉल दे गोवा को भी कितने भव्य तरीके से सजाया गया है। लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, इस वक्त रोड पर हम हैं। ये रात का दृश्य है, समय लगभग 2 बजे का है। और लेफ्ट साइड देखिएगा आप, मॉल दे गोवा को कितने भव्य तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, मैं कैमरा घुमाता हूं, ये देखिए आप, गोवा का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मॉल, मॉल दे गोवा, रोशनी से सराबोर है। मॉल दे गोवा से थोड़ा सा आगे निकलने पर ये देखिए पेड़ों पर कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है। ग्रीन ही ग्रीन, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। और ये पोर्वोरिम की एक सोसाइटी का दृश्य है। यहाँ पर आज एक आयोजन किया गया था और आयोजन स्थल को कितने बेहतर तरीके से सजाया गया है आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कितना सुंदर दृश्य है। ये कार्यक्रम दिन में था। देखिए, ये जो गेट लगाया गया है, श्री राम का नाम है, ये द्वार है, कितना सुंदर दिख रहा है। और दोनों साइड कितने बेहतर तरीके से सजावट की गई है। थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं। ये देखते हैं जब अंदर प्रवेश करने पर कितनी सुंदरता से, कितनी भव्य तरीके से सजावट की गई है। देखिए आप, देखिए उत्तम सजावट का उत्तम नमूना। आसमान में गेरवे रंग की झालरें और सामने श्री राम जी का कटआउट। देखिए गेट कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर दिन में कार्यक्रम था जो कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पता चलता है कि सजावट कितने बेहतरीन तरीके से की गई है। यह है पोरवोरी कार्यक्रम आयोजन स्थल। जी हाँ, संपूर्ण भारतवर्ष में, बल्कि संपूर्ण विश्व में इस कार्यक्रम को मनाया गया। आगे चलते हैं, फ्लाईओवर वाला हिस्सा एरिया, एक चौक आता है पोरवोरियम के बाद, देखिए चौराहा, और ये फ्लाईओवर के नीचे। अब चलते हैं सीधे पेंजिम की तरफ। ये ठीक हम विधानसभा से पहले हैं, गोवा की जो विधानसभा है उससे ठीक पहले चल पड़े हैं हम पेंजिम राजधानी की तरफ। गोवा में कभी रात होती नहीं है, हमेशा उजाला रहता है। दिन में सूर्य देव का उजाला, रात में लाइटिंग का उजाला। ये बिल्कुल हम विधानसभा के पास हैं, और जो यहाँ का न्यायालय है उसके पास भी है। राइट साइड में कोर्ट है और लेफ्ट साइड में विधानसभा। ये देखिए विधानसभा के आगे कितना बेहतर तरीके से इस चौक को सजाया गया है। ये वही चौक है जहाँ से नदी के ऊपर से दो रास्ते निकलते हैं जो दोनों ही पेंजिम को जाते हैं। जय श्री राम के नाम के साथ सजावट यहाँ पर अलग अलग तरह की मूर्तियां, कटआउट्स। और ये हम पेंजिम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं चौक पर कितनी बेहतरीन तरीके से सजावट की गई है। ये हम आप पहुंचे हैं ठीक लगभग पेंजिम बस स्टैंड। जी हाँ, केटीसी बस स्टैंड, लेफ्ट साइड में ये केटीसी बस स्टैंड है। आप देखिए यहाँ पर भी सजावट की गई है। केटीसी बस स्टैंड पर हनुमान जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और अब हमारा कारवां सीधा चल रहा है मीरामार बीच की तरफ। जी हाँ, रास्ते में जहाँ पर राइट साइड में फ्लोटिंग जो कैसीनोज हैं वो आएंगे। ये पहला कैसीनो, बिग डैडी कैसीनो, आप देखिए यहाँ पर भी सजावट की गई है। बिग डैडी कैसीनो, उसके बाद हम सीधा चलते हैं आगे की तरफ। और बिग डैडी से हम सीधा निकलते हैं आगे मीरामार की तरफ। जी हाँ, ये कंपाल का एरिया आने वाला है। देखिए दोनों तरफ एकदम बेहतर व्यवस्था है यहाँ कैपिटल में लाइटिंग की। सीधा हम जा रहे हैं मीरामार बीच की तरफ। और ये देखिए
कंपाल में लेफ्ट साइड में एक मंदिर है, इसको भी सजाया गया है जो कि रोड पर है। और आ पहुंचे हैं हम मीरामार चौराहे पर। देखिए, श्री राम जी का पोस्टर, कटआउट, ये हिंदू ईसाई सद्भाव का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। स्टैचू लगाया गया है, कितने बेहतर तरीके से गोवा हर त्योहार का स्वागत करता है। देखिए, यहां पर हिंदू ईसाई सद्भाव का प्रतीक स्टैचू है। यहीं पर श्री राम जी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अब हम वापस चलते हैं मीरामार से पेंजिम की तरफ। देखिए, रोड के दोनों तरफ कितनी बेहतर तरीके से प्रकाश की व्यवस्था की गई है, बेहतरीन, अद्भुत। और ये जहां पहुंचे हैं हम लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं हाल में ही ये इस तरह का एक स्थल बनाया गया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। और ये सामने कैसीनोज हैं, बिग डैडी, डेल्टिन कारावेला, डेल्टिन जैक, कैसीनो प्राइड, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड। और ये सभी कैसीनोज मांडवी नदी में है। हम वापस चल रहे हैं पंजिम की तरफ। ये पंजिम ही है, शुरुआत है। और सीधा हम चल रहे हैं फ्लाईओवर की तरफ। जी हाँ, अटल सेतु की तरफ हम चल रहे हैं। ये आप लाइटिंग देख सकते हैं, रात में भी उजाला रहता है। फिलहाल यहाँ पर कोई सजावट नहीं है, लेकिन जो लाइटिंग है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर सजाई गई है। और ये डेल्टिन रॉयल के हम पास हैं। डेल्टिन रॉयल का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर, यहाँ पर बीच में एक मंदिर अभी आपने देखा रोड पर। और ये पहुँच चुके हैं डेल्टिन रॉयल के एंट्रेंस गेट के पास। और ये फिर से बिग डैडी कैसीनो लेफ्ट साइड में आ गया है। और ये अद्भुत नज़ारा अटल सेतु का, साथ ही मांडवी नदी का। देखिए किस तरह से बोट्स, छोटी बड़ी नावें पानी में तैरती हुई। ये देखिए आप, यहाँ पर एक दो रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं पानी में, मांडवी नदी में। और हम बढ़ रहे हैं अटल सेतु की तरफ। ये डेल्टिन जैक का एंट्रेंस गेट, किंग कैसीनो। और देखिए, रात में पानी में भी जगमगाहट का दृश्य आप देख सकते हैं। और लगभग लगभग हम अटल सेतु के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। गोवा की ये बात मुझे सबसे प्यारी लगती है कि किसी भी धर्म का त्यौहार हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर आपस में इन त्यौहारों को मनाते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये देखिए एक चौराहे का दृश्य, यहां पर श्री राम जी का अद्भुत श्रृंगार सजावट। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि इस व्लॉग को आपने पसंद किया होगा। आप सबसे निवेदन है कि इस व्लॉग को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
ताकि लोग गोवा की संस्कृति को, गोवा के कल्चर को देख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलता है सुधीरा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।